खाना हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है तो किचन वो फ्यूल पंप है जहां ये खाना बनाया जाता है। मतलब हमारे किचन में क्या है, कैसे यूज हो रहा है, इसका हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे कमाल के आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जिनको डेली लाइफ में यूज करके आप अपनी हेल्थ को और अपनी लाइफ को बहुत बहुत बेटर बना सकते हो। बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में मैं आपके साथ 7 किचन आइडियाज शेयर करूंगी जिन्हें यूज करके आप अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो, पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो, जिससे वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी। और सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ 20 किचन हैक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी कुकिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी और काफी टाइम सेव होगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 7 किचन आइडियाज व्हिच विल इंप्रूव योर हेल्थ। आइडिया नंबर 1 इज टू ईट योर फूड इन बोल्स। जनरली हम बोल्स को सिर्फ वेट फूड जैसे कि सूप या ओट्स खाने के लिए यूज करते हैं और बाकी सारे मील्स के लिए हम प्लेट्स यूज करते हैं। बट आपको पता है कि बोल्स में खाने के बहुत फायदे हैं। आपको बर्तन कम धोने पड़ते हैं। जोक्स अपार्ट, लेट मी टेल यू ऑल द बेनिफिट्स व्हिच यू कैन हैव इफ यू स्टार्ट ईटिंग योर फूड इन बोल्स। बोल मील्स आर मोर बैलेंस्ड, जैसे कि स्मूदी बोल, बुरीटो बोल, बुद्धा बोल। अगर आपने बुद्धा बोल के बारे में नहीं सुना तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बुद्धा बोल बनाना सिखाऊंगी और आप खुद देखोगे कि ये बोल कितने ज्यादा वेल बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस होते हैं। बोल मील्स आर एस्थेटिकली मोर प्लीजिंग। बोल्स में खाना डेफिनेटली ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखता है। एंड यू नो I appeal is half the meal. Bowl keeps the food more warm. It's a no-brainer. Bowl में खाना ज्यादा देर तक warm रहता है और जब हम उस खाने के bowl को hold करते हैं तो उस warmth को feel कर पाते हैं। This increases our intimacy with the food and which makes it more filling and more healthy. Bowl meals are more aromatic. Bowl खाने की खुशबू को ज्यादा देर तक preserve करके रख पाता है जिससे हम उस खाने को और भी ज्यादा देर तक enjoy करते हैं। And last but not the least, it's the oldest way of eating food. हमारे संत महात्मा bowl में ही खाना खाते थे। उनके पास एक bowl होता था जिसमें उनको जो खाने को मिल जाता था वो खा लेते और यहीं से इंस्पायर होके कॉन्सेप्ट निकला है बुद्धा बोल्स का जो रिसेंटली काफी फेमस हुआ है। आइए मैं आपको दिखाती हूं कि बुद्धा बोल में क्या क्या होता है। के लिए ज्यादा से ज्यादा बोल्स का यूज करने वाली हूं। आई होप आपको भी ये टिप पसंद आई होगी और आप भी इसको जरूर ट्राई करोगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप पे। सेकंड पॉइंट इज अबाउट हाउ टू यूज कुकिंग ऑयल। ऑयल तो हर खाने में यूज होता है, इसलिए इट्स सो इंपॉर्टेंट टू यूज द राइट ऑयल एंड इन राइट क्वांटिटी। आई एम बाउ में हम सभी मेंबर्स को घी, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल खाने को ही सजेस्ट करते हैं। ये तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द क्वांटिटी? किसी भी इंसान को एक दिन में ऑन एन एवरेज 3 से 4 स्पून से ज्यादा ऑयल नहीं कंज्यूम करना चाहिए। इसलिए मैं अपनी किचन में खाना बनाते वक्त ऑयल को डायरेक्टली बॉटल या फिर करछी से डालने की जगह स्पून से डालना प्रेफर करती हूँ। चीला या कटलेट्स बनाने के लिए मैं पैन के ऊपर ब्रश की हेल्प से ऑयल स्प्रेड करना प्रेफर करती हूँ और आप ऑयल स्प्रेस का भी यूज कर सकते हो। थर्ड आइडिया इज हाउ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या आप कॉमेंट्स में बता सकते हो कि वो कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनके पील्स एडिबल होते हुए भी जनरली लोग उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। फ्रूट्स एंड वेजीज के पील और स्किन में ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फाइबर, विटामिंस, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। मतलब इनको खाने से आपको न्यूट्रिशन भी ज्यादा मिलता है और फाइबर कंटेंट की वजह से आपका पेट भी ज्यादा भरता है, मतलब ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती। बट प्रॉब्लम यह है कि इनके पील में पेस्टिसाइड्स होने के भी तो चांसेस हैं, इसलिए आप ज्यादा शाइनी फ्रूट्स एंड वेजीज खरीदना अवॉइड करो। रॉ अनअडल्ट्रेटेड जो थोड़े डल लुकिंग फ्रूट्स हैं उनको लेना प्रेफर करो, उसके बाद उन्हें अच्छे से वॉश करके उनके पील के साथ ही उन्हें खाओ। और वैसे भी जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदते हो तो उसके पील एंड स्टेम के लिए भी तो पे करते हो, तो इतनी न्यूट्रिशियस चीज को डस्टबिन में क्यों फेंकना। कुछ फ्रूट्स के पील्स जिनको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जा सकता उनसे भी बहुत सारे बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। जैसे बनाना का पील को फेस पे रब करने से वो स्किन को नेचुरली हाइड्रेट भी करता है और रिंकल्स को भी अवॉइड करता है। ऑरेंज पील को भी आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। इन्हें प्लांट्स में डालने से प्लांट्स में कीड़ा नहीं लगता। ऑरेंज पील से यूटेंसिल साफ करने से उनमें बहुत
बहुत अच्छी फ्रेशनेस आती है। इसके लिए आप सिंक में पानी डाल के उसमें ऑरेंज पील्स डाल दो और बर्तनों को डिप करके रख दो, आपके यूटेंसिल्स में बहुत अच्छी फ्रेश फ्रेग्रेंस भी आएगी। आप डायरेक्टली इस पील को स्पॉन्ज की तरह किचन शेल्फ या स्टोव क्लीन करने के लिए भी यूज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज टू ईट योर ओन सैलेड। जब हमारे खाने की प्लेट सेपरेट होती है तो सैलेड की प्लेट कॉमन क्यों? जिस तरह हम अपने मील के पोर्शन को अलग लेते हैं, सिमिलरली वैसे ही हमें अपने सैलेड के पोर्शन को भी सेपरेटली लेना चाहिए और इनफैक्ट उसे खाना स्टार्ट करने से पहले कंज्यूम कर लेना चाहिए ताकि सैलेड भी अच्छे से खाई जाए और उसके बाद फूड की ओवर ईटिंग भी ना हो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सैलेड खाना हमें काफी बोरिंग लगता है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ब्रिंग वेराइटी टू योर सैलेड। सैलेड को सिर्फ अलग अलग तरीके से कट करने से ही उसमें वेराइटी एड कर सकते हो। कभी चॉप्ड सैलेड, कभी नूडल्स के जैसे लंबी कटी हुई सैलेड, कभी रेगुलर सैलेड। अब सैलेड को डिफरेंट टेस्ट देने के लिए आप उसके ऊपर डिफरेंट ड्रेसिंग्स भी यूज कर सकते हो। ड्रेसिंग्स के लिए आप लेमन, एप्पल साइडर विनेगर, हनी, ऑलिव ऑयल, इन सब चीजों का यूज कर सकते हो। हेल्दी सॉसेस जैसे कि मस्टर्ड या ताहिनी यूज कर सकते हो। अलग अलग सीजनिंग जैसे कि ड्राइड ऑरिगेनो, मिंट, पार्सले, थाइम, ये सब चीजें यूज कर सकते हो सैलेड के ऊपर। सीड्स एंड नट्स डाल के उसको ज्यादा क्रंची बना सकते हो। इन शॉर्ट सैलेड में वैरायटी लाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बस अब आपको अपनी सैलेड का अपना पोर्शन खाना। और मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब आप अपनी सैलेड की प्लेट लो तो उस प्लेट को मेरे साथ भी शेयर करो, यानी कि उसकी पिक्चर क्लिक करके उसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, उस पोस्ट में मुझे टैग करो, मेरे को उस पिक्चर को देख के बहुत खुशी होगी। चलते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज टू मेक स्मॉलर चपातीज। हमें बचपन से ना नंबर्स में खाने की आदत है। हिम्मी आपकी कितनी रोटी? दो यार, दो दाल कर लो, एक कढ़ाई पनीर कर लो, दो शाही पनीर कर लो, दो मिक्स वेज कर लो, एक पिंडी चना कर लो, एक बिरयानी कर लो। हम हमेशा नंबर्स में बात करते हैं, कभी भी ग्राम्स या साइज में बात नहीं करते। बस इसी चीज को यूज करके हमें पोर्शन कंट्रोल करना है, बिकॉज पोर्शन कंट्रोल साउंड्स लाइक अ कॉम्प्रोमाइज। दो से एक चपाती पे आना एक कॉम्प्रोमाइज लगता है और मोटी से पतली रोटी पे आना बड़ा स्वाद लगता है। सो रोटी के साइज को छोटा करने से आपकी वेस्ट का साइज भी छोटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप स्मॉलर यूटेंसिल्स यूज करते हो तो इससे भी आप पोर्शन कंट्रोल कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड। अगर आप बिस्किट एंड चिप्स फ्री घर में नहीं रह सकते तो ये पॉइंट आपके बहुत काम आएगा। अनहेल्दी चीजों को अपने किचन में ऐसी जगह पे रखो जहां पे वो आपको बार बार ना दिखें, क्योंकि अगर बार बार आपकी नजर के सामने आएंगी तो बार बार आपको उनको खाने का मन भी करेगा। ऐसी चीजों को सबसे ऊपर वाली शेल्फ पे रखो जिसके लिए आपको हमेशा स्टूल यूज करना पड़े, और आई लेवल पे हमेशा हेल्दी चीजों को रखो। फ्रूट्स को एक बास्केट में डाल के किचन की शेल्फ पे रखो, यू विल ऑटोमेटिकली एंड अप ईटिंग मोर फ्रूट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज टू कुक योर मील्स विद गुड इंटेंशंस। इट्स नॉट अ हैक, इट्स अ हैबिट, जिससे आपके खाने में अच्छी वाइब्रेशंस आएंगी। आप जिस इंटेंशंस या जैसे थॉट्स के साथ अपने खाने को बनाओगे वही थॉट्स आपके खाने में भी ट्रैवल करेंगे, एंड अल्टीमेटली यू आर व्हाट यू ईट। ब्रह्म कुमारी शिवानी के साथ मेरे एक इंटरव्यू में भी उन्होंने इस टॉपिक पे अपने कुछ वैल्यूएबल व्यूज शेयर किए। भोजन बनाते समय की मन की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि हम ईयरफोन लगा के किसी के साथ फोन पे गप्पे मार रहे हैं, इसकी उसकी बात कर रहे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, और हमने खाना बना दिया तो वो सारी वाइब्रेशंस खाने में चली जाएंगे। We can't cook like that. तो make sure खाना बनाते वक्त आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना हो, बल्कि पॉजिटिव चीजें चल रही हो, जिसके लिए आप अपनी पसंद का म्यूजिक सुन सकते हो या कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातें, ऐसे लोगों को याद कर सकते हो जो हमेशा आपको खुशी देते हैं। तो गाइज, अभी तक मैंने आपके साथ वो किचन आइडियाज शेयर किए जिनको यूज करके आप अपने खाने को ज्यादा हेल्दी बना सकते हो और पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो। अगर ये आइडियाज आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अब हम चलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें मैं आपके साथ 20 किचन हैक्स शेयर करने वाली हूं जिनको यूज करके आपकी किचन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, आपका टाइम सेव होगा, एंड यू नो टाइम इज मनी। तो स्टार्ट करते हैं कुछ लाखों करोड़ों के टिप्स। हैक नंबर वन, कई बार नींबू फ्रिज में पड़े पड़े ड्राई हो जाता है जिसकी वजह से उसमें से जूस ठीक से नहीं निकल पाता। इसके लिए आप लेमन को कुछ देर गर्म पानी में रख लो या फिर 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में वार्म कर लो, जिससे लेमन लूज हो जाएगा और उससे जूस इजीली निकल पाएगा। हैक नंबर टू, गार्लिक का पील निकालना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए गार्लिक को कुछ देर गर्म तवे पे रख दो, इसके बाद इन्हें आपस में अच्छे से रब करो और इनका पील इजीली रिमूव हो जाएगा। हैक नंबर थ्री, खाने में नमक कम हो तो मजा नहीं आता, बट अगर ज्यादा डल जाए तब भी मूड खराब हो जाता है। अगर आपके दाल या सूप में गलती से नमक ज्यादा डल जाए तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। एक आलू को छील के आप उस दाल में डाल दो और 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे रहने दो। आलू सारा एक्सेस सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। 10 मिनट के बाद उस आलू को निकाल के फेंक दो और आपकी दाल खाने के लिए तैयार है। हैक नंबर फोर, अगर राइस ओवर कुक हो जाए और नीचे से चिपक जाए तो उनमें से बर्निंग स्मेल आती है जो सारे चावलों में फैल जाती है और मूड खराब कर देती है। इसके लिए आप राइस के ऊपर एक व्हाइट ब्रेड का स्लाइस रखो,
5 से 10 मिनट में वो ब्रेड सारी बर्निंग स्मेल को सोक कर लेगी और आप ऊपर के राइस को बिना किसी स्मेल के इजीली कंज्यूम कर पाओगे। बट रिमेंबर नॉट टू स्क्रेप द बर्नड राइस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पैन। हैक नंबर 5, बॉइल्ड एग्स की शेल निकालना कई बार थोड़ा क्लमजी हो जाता है। इसके लिए एग्स को गर्म पानी से निकालने के बाद एक बार ठंडे चिल्ड पानी में रख दो। इससे एग्स का शेल बहुत ही इजीली और बहुत ही नीटली रिमूव हो जाएगा। हैक नंबर 6, आप बहुत ही शौक से लेटस लेके आते हो, उसके एक दो लीव्स यूज करते हो और बाकी के फ्रिज में रख देते हो। एक दो दिन बाद जब वापस यूज करने के लिए निकालते हो तो देखते हो कि वो लेटस विल्ट हो चुकी है, यानी कि मुरझा गई है, और फिर वो लेटस आपको वेस्ट करनी पड़ती है। बट ये ट्रिक आपकी उस लेटस को वेस्ट होने से बचाएगी। विल्टेड लेटस यानी मुरझाई हुई लेटस को यूज करने से एक घंटा पहले एक बोल में चिल्ड पानी या आइस क्यूब डाल के कवर करके रख दो। आपकी लेटस दोबारा फ्रेश और क्रंची हो जाएगी। हैक नंबर 7, अगर आपको खाने में हींग की फ्रेग्रेंस पसंद है तो ये टिप आपके बहुत काम की है। हींग को खाने में डायरेक्टली डालने की जगह उसे पानी में कुछ देर सोक करके रखो और डालने से पहले अच्छे से स्टर करके फिर डालो तो हींग का फ्लेवर और अरोमा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हैक नंबर 8, अगर आपका स्केड्यूल काफी बिजी रहता है और आप अदरक लहसुन का पेस्ट बना के प्रिजर्व करके रखते हो तो अगली बार इस ट्रिक को जरूर यूज करना। अदरक और लहसुन के पेस्ट में थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के रखने से वो ज्यादा देर तक टिक पाती है। हैक नंबर 9, पीनट बटर खाने वक्त जब उसका बॉक्स खोलो तो उसके ऊपर पूरा पीनट ऑयल डिपॉजिट हुआ होता है और हमें उसको अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल, ऑलवेज कीप द बॉक्स अपसाइड डाउन, द ऑयल विल ऑलवेज रिमेन एट द बॉटम। हैक नंबर 10, जब हम गर्मा गर्म ऑमलेट को पैन से निकाल के प्लेट पे रखते हैं तो उसके नीचे मॉइस्चर क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो पूरा गीला हो जाता है और खाने में मजा नहीं आता। इसके लिए ऑमलेट को डायरेक्टली प्लेट में रखने की जगह एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर रखो, क्योंकि ब्रेड उसका मॉइस्चर सोक कर लेगी और ऑमलेट वेट होने से बच जाएगा। हैक नंबर 11, स्पेशली विंटर्स में पराठे के ऊपर बटर लगाना एक टास्क हो जाता है। बटर आसानी से कटता नहीं और इतने में पराठा ठंडा हो जाता है। इसके लिए आप बटर को पहले से ही पीसेस में काट के बटर डिश में रखो। इससे बटर लेना भी इजी हो जाएगा और क्वांटिटी भी कंट्रोल हो जाएगी। बटर के पीसेस रेडी करने के लिए पहले नाइफ को फ्लेम पे गरम करके बटर को एक फ्लैट सरफेस पे रख के कट करने से उसके पीसेस काफी इजीली हो जाते हैं। हैक नंबर 12, खाना बनाने वक्त गरम ऑयल में मसालों को सीधा डालने से मसाले जल जाते हैं, जिससे उनके न्यूट्रिएंट्स और उसका अरोमा सब किल हो जाता है। तो उनको सीधा ऑयल में डालने की जगह एक कटोरी में सारे मसाले साथ में मिला के उसका एक थिक पेस्ट रेडी कर लो और फिर उसे ऑयल में डालो। इससे मसाले जलेंगे भी नहीं, उनकी खुशबू और टेस्ट भी इंटैक्ट रहेगा। हैक नंबर 13, बॉइल्ड राइस को रीहीट करना हो तो इस ट्रिक को यूज करो। एक पतीले में पानी डाल के उसे गैस पे रखो और अब एक छलनी में राइस को डाल के उस पतीले के ऊपर प्लेस कर दो। इससे राइस को डायरेक्ट स्टीम मिलेगी, जिससे राइस दोबारा फ्रेश एंड वार्म हो जाएंगे। अगर आप माइक्रोवेव में हीट करो तो साथ में कटोरी में थोड़ा गर्म पानी डाल के रखो। इससे माइक्रोवेव के अंदर भी राइस को अच्छा मॉइस्चर मिलेगा। हैक नंबर 14, हाउ टू मेक लश ग्रीन पुदीने की चटनी। जब हम धनिया या पुदीने की चटनी बनाते हैं तो मिक्सर में हीट क्रिएट होने की वजह से वो डार्क कलर की होती है। तो चटनी को बनाते वक्त मिक्सर में कोल्ड वाटर या फिर आइस डाल के बनाने से चटनी फ्रेश एंड लश ग्रीन बनेगी। हैक नंबर 15 इज आल्सो सिमिलर, जब हम घर में पालक पनीर बनाते हैं तो वो थोड़ा डार्क ग्रीन कलर का बनता है, बट रेस्टोरेंट में इट लुक्स मोर फ्रेश एंड ग्रीन। तो बिना किसी कलर को ऐड किए आप भी इस डिश को ज्यादा ग्रीन बना सकते हो। इसके लिए पालक को बॉइल करने के बाद ब्लेंड करने से पहले उसे ठंडे पानी में रखो तो उसका कलर लाइट रहेगा। नेक्स्ट दो टिप्स मानसून में बहुत काम आएंगी। बारिश के दिनों में मसालों में मॉइस्चर क्रिएट होता है, वो जल्दी खराब होते हैं और कीड़ा लगने के भी चांसेस होते हैं। इसके लिए आप पेपर नैपकिन का यूज कर सकते हो। पेपर नैपकिन सारा मॉइस्चर सोक कर लेते हैं और मसालों को पूरी तरह ड्राई रखते हैं। हैक नंबर 17 इज आल्सो सिमिलर, बारिशों में दाल और चावल में भी कीड़ा लगना बहुत कॉमन है। सो दाल और चावल के बॉक्सेस में आप सूखी हल्दी की स्टिक या फिर साबुत लौंग रखते हो तो उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। हैक नंबर 18, नॉनस्टिक बर्तनों के लिए जो आप वुडन कड़छी यूज करते हो वो कुछ टाइम के बाद डार्क होने लगती है और बार बार पानी में धोने की वजह से उसमें फंगस लगने के भी चांसेस होते हैं। तो उससे बचने के लिए वुडन यूटेंसिल्स को आप डिश वॉश से साफ करने के बाद उसके ऊपर नींबू और नमक से रब कर सकते हो, जिससे वो हमेशा क्लीन और हाइजीनिक रहेंगे। नेक्स्ट हैक, कई बार एग तोड़ने के बाद उसके शेल का छोटा सा छिलका एग के बीच में रह जाता है और उसे निकालने के लिए बहुत चेज करना पड़ता है। सो हियर इज अ सिंपल हैक, बाकी के शेल को उस चंक के पास लेके जाओ एंड दिस शेल विल अट्रैक्ट द स्मॉल चंक एंड विल रिमूव इट इजीली। हैक नंबर 20, कई बार हमें मसाले और दालें ढूंढने के लिए किचन के सारे डब्बे चेक करने पड़ते हैं, सो इट्स बेटर टू यूज ग्लास कंटेनर सो दैट आपको बाहर से ही सभी स्पाइसेस एंड दालों का पता चल सके। आई ऑल्सो सजेस्ट यू टू यूज लेबल्स ऑन दीज जार्स
टू मेक योर जॉब इजियर। और इन लेबल्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। सो गाइस, ये थे 20 हैक्स जिनको यूज करके आपकी किचन में एफिशिएंसी बढ़ सकती है। अगर आपका कोई भी हेल्थ या फिटनेस रिलेटेड गोल है, जैसे कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हो, मसल्स बिल्डिंग करना चाहते हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारे आई एम वाव प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर हमारे सर्टिफाइड डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट और कोचेस आपको पर्सनलाइज्ड कोचिंग देंगे। आपके हिसाब से, आपके टेस्ट चॉइसेस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डाइट प्लान्स बना के देंगे। इस प्रोग्राम का हर रोज दुनिया के अलग अलग कॉर्नर से लोग ज्वाइन करके बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप भी ले सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, फिट रहो, हिट रहो।